तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और इसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है कुर्ग। एक जगह का नाम है ये। इस वीडियो में इस चैप्टर को समझाया जाएगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो बात आती है कुर्ग की। पहले ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस होती है झलक ऑफ इंडिया, भारत की झलक। इसके अंदर एक जगह है कुर्ग, कर्नाटका के में एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, ठीक है। वहां के बारे में इस चैप्टर के अंदर जिक्र आने वाला है, जो कि मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर उनके बीच में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इनके बीच में पड़ता है। एक स्वर्ग स्वर्ग जैसी जगह है, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्शियल मैन मिलते हैं, वुमैन एंड वाइल्ड क्रिएचर वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं। मतलब जो इंसान है ना, जो पुरुष है, वो लड़ाकू टाइप में मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको भी जानेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर। बट यहाँ पे जो कुर्ग है, जिसको हम कोडागू भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कुर्ग को, देखो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। कोडागू, ठीक है, कोडागू, तो इसको कोडागू भी बोलते हैं, जो कि कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट का घर है, यानी कि जो ऐसे पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जहाँ के पेड़ के पत्ते कभी नहीं गिरते। आमतौर पे क्या होता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास पत्ते गिर जाते हैं। इन पेड़ों के पत्ते कभी नहीं गिरते, हर समय पूरे साल भर ये हरे रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है। और स्पीशीज एंड कॉफी प्लांटेशन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हमें स्पीशीज देखने को मिलती है। स्पीशीज नहीं, स्पाइसीज, ठीक है ना, गलत हो गया स्पेलिंग, है ना, स्पाइसेस, मसाले देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है हमें कॉफी देखने को मिलती है, ठीक है। ये दो चीज है जिसके लिए ये मशहूर है, मेनली कॉफी के लिए है, उसके अलावा स्पाइसेस मसालों के लिए मशहूर है ये जगह है कुर्ग। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो रेन फॉरेस्ट है वो कितना हिस्सा कवर कर लेते हैं, 30%। यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, 30% हिस्से पे। अब यहाँ पे आप लोग भी चाहते हो घूमने जाना, बोल रहे हैं स्वर्ग जैसी जगह है, तो कब घूमने जा सकते हो? ये जो है आमतौर पे क्या होता है ना, गर्मियों के टाइम में अच्छी जगह नहीं है ये घूमने के लिए, सर्दियों के टाइम पे अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, क्योंकि कर्नाटका है और अच्छी जगह है यार, वहाँ पे वैसे भी सर्दियाँ नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती हैं। तो उस समय मतलब मार्च तक, यहाँ पे सितंबर से मार्च तक टाइम पीरियड देख लो, सितंबर से मार्च तक, इस टाइम पीरियड के दौरान आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो। एक अच्छा सुहाना मौसम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आया भी है शायद 1 या 2 साल पहले वाले पेपर में आया था, कि किस टाइम पीरियड के दौरान हम जो है कुर्ग देखने जा सकते हैं, अच्छा टाइम को पीरियड कौन सा है, तो सितंबर टू मार्च का वो टाइम पीरियड आपका होने वाला है। अब देखते हैं ग्रीक के बारे में, मतलब कुर्ग के बारे में। कुर्ग को जो है ग्रीक अरबिक डिसेंट भी बोला जाता है, मतलब कि यहाँ के लोग जो है अरब से आए हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है यहाँ के जो लोग हैं ना वो अरब से आए हुए हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्या हुआ था, एक राजा था जिसका नाम आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अलेक्जेंडर। क्या नाम था, सुना ही होगा ना, हिस्ट्री में सुना होगा अलेक्जेंडर। उसकी आर्मी थी और आर्मी जो है ना वो जा रही थी, और वो जो है धीरे धीरे साउथ साइड में चली गई। उसकी आर्मी का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव टू द साउथ, साउथ के साइड में चला गया, भारत के साउथ में, मतलब कर्नाटका साइड में चला गया। वहाँ पे ये लोग बस गए और उसके बाद में इनको वापस जाने का मौका नहीं मिल पाया। वहाँ के लोकल्स जो पीपल्स थे उनसे शादी कर ली वुमेन से और वहीं पर रहने लग गए। अब ये लोग जो आर्मी के थे, मतलब मार्शियल पीपल थे, मार्शियल मतलब लड़ाकू टाइप में, तो अब लड़ाकू लोग थे और लोकल से शादी कर ली, इसीलिए वहाँ के लोग लड़ाकू पाए जाते हैं। ये एक फैक्ट बता रहे हैं हमसे कि ऐसा हो सकता है, तो इसी वजह से इनको जो है अरबियन पीपल भी बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं थ्योरी, लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रोडिएटेड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावुस कोल्ड एज कुपिया।
एक चीज पहनी जाती है जिसको हम कुपिया बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? कुपिया। ये एक ऐसी चीज होती है जो कमर पे मतलब ऐसे बांध ली जाती है, कुछ बेल्ट टाइप में होती है, तो जो कमर के ऊपर बांधी जाती है बेल्ट टाइप में, जिसको हम कुपिया बोलते हैं और यहाँ के लोग उसको आमतौर पे बांधते हैं। उसका आमतौर पे इस्तेमाल जो है आर्मी वाले लोग करते हैं, तो हो सकता है ये उन्हीं के वाला इंजीनियर की आर्मी हो सकती है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, पहला भारत का चीफ, ठीक है, वो कुर्ग से था, जिसका नाम था जनरल करियप्पा। क्या नाम था? जनरल करियप्पा, ठीक है। कोडावुस आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कोडावुस के सिर्फ इकलौते ऐसी जगह है यहाँ पे भारत की। कौन सी जगह है कोडावुस? देखो नाम कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक ही है, कुर्ग, कोडागु, कोडावुस, ठीक है। ये जो है ये इकलौती ऐसी जगह है दुनिया भारत में, ठीक है ना, जहाँ के लोगों को वेपन्स रखने की परमिशन है, वो भी बिना लाइसेंस के। वो अपने साथ हथियार, बंदूक, पिस्टल, कट्टा जो लेके जाना है लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग? कुर्ग के लोग, आप मत लेके चले जाना। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी का नाम सुना होगा आपने। हाँ, वही नदी जो साउथ में पाई जाती है, बड़ी नदी है। ओब्टेन्स इट वाटर, कहाँ से मिलता है उसको पानी? कुर्ग से मिलता है, उसके पहाड़ों, उसके जंगलों से उसको पानी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक झील, मतलब यहाँ पे जो है महेशीर, महाशीर, देखो इसको भी लिख देता हूँ मैं, महाशीर, ये एक मछली की प्रजाति होती है। महाशीर एक फ्रेश वाटर फिश, एक मछली है, अबाउंड इन दिस वाटर, और यहाँ के पानी में ये बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। पानी के अंदर क्या पाया जाता है? महाशीर पाई नाम की मछली बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो उनको, अब मछलियाँ हैं तो किंग फिशर्स भी मिलेंगे, मछली पकड़ने वाले, वो आदमी नहीं, वो पक्षी होते हैं कि किंग फिशर, ठीक है, तो वो भी मिलते हैं। वो कूदते हैं, सीधी छलांग लगाते हैं पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए। अब ऐसे ही चलता जाता है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे हाथी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और लेखक बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है ना यहाँ के हाथियों से लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। अब जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ गेमिंग टाइप में भी चलता है, गेम भी होते हैं, खेल वगैरह, मनोरंजन का भी अच्छा साधन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप राफ्टिंग कर सकते हो, यानी कि वो होता है ना बोट में बैठे हो, ऐसे वाली, मतलब वो फटियाँ सी लेते हैं और सरकाते रहते हैं उन फटियों को बोट में, वो वाला सिस्टम, ठीक है, आपने देखा ही होगा। उसके अलावा कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ब्लाइंग, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना, पहाड़ के नीचे चढ़ना, वो मतलब चढ़ना क्या, उतरना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों पे बाइक चलाना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चला सकते हो, अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज सब कुछ मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि स्वर्ग का एक टुकड़ा काट के यहाँ पे पहुँचा रखा है, ये ऐसा बोल रहे हैं हमको। अब जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है? द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू टू इन टू पैनोरिक व्यू टू एंट्री मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग। आप जो है अगर ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चोटी पर जाते हो, वहाँ के ऊपर चढ़ जाते हो ना, तो आप वहाँ से सारे कुर्ग को देख सकते हो, एक अच्छा नज़ारा वहाँ से आप ले सकते हो। तो अगर आप भी कहीं घूमने जाते हो तो शायद कुर्ग के बारे में सोच सकते हो। तो ये था इस चैप्टर में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टोटली चैप्टर वैसे छोटा सा था, आपको भी मतलब लगा होगा क्या हो गया ये, मतलब ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी। यहाँ पे सिर्फ एक जगह के ना बारे में बता रखा है, कुर्ग, जिसको हम कोडागु या कोडावस बोलते हैं, और यहाँ ये जगह है मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। 30% हिस्से पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके अलावा सितंबर से मार्च के बीच में आप यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये जगह, यहाँ के लोग जो है मार्शल पाए जाते हैं लड़ाकू टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग आए और उन्होंने यहाँ के लोकल पीपल से शादी कर ली, जिसके बाद में वो यहीं पे बस गए और यहीं पे रहने लगे। अब जो है यहाँ के लोग इकलौते ऐसे भारत में ऐसा हिस्सा है ये, जहाँ के लोगों को वेपन्स, फायर आर्म्स ले जाने की परमिशन है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के, ठीक है। अब जो है ये सारी चीज़ें, महाशीर नाम की मछली यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे अलग जानवर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे राफ्टिंग, कैनोइंग,
माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ऐसे सारे गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये तो हो गया आपका चैप्टर पूरा। उम्मीद है चैप्टर बहुत आसान था, समझ में आया होगा। चलो अभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वेयर इज द कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है? कुर्ग जो है कर्नाटका के अंदर है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जो कि मैसूर एंड द कहाँ पे पड़ता है, मैसूर और जो है कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, इनके बीच में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरी अबाउट द कोडावुस पीपल डिसेंट, उन लोगों के बारे में क्या कहानी है, कोडावुस पीपल यानी कि जो ये लोग हैं, ये मार्शल लोग हैं, इनके बारे में क्या कहानी है? बताया जाता है अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे आई थी, वहाँ के लोगों ने लोकल लोगों से शादी कर ली और यहीं पे बस गए, तो ऐसा माना जाता है। ये कहानी आपको बतानी है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, आप कुछ चीज़ों के बारे में बताना है इसमें, द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे से लेके चलते हो, क्योंकि इसमें पूरी समरी हो जाएगी आपके चैप्टर की, नहीं पता हो तो इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो पूरी समरी आपकी इस चैप्टर से हो जाएगी। चलो देखते हैं, द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग कैसे हैं, कुर्ग के लोग मार्शल पीपल है, वुमेन है और एनिमल क्रिएचर्स, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मतलब लोगों के बारे में पूछ रखा है तो वो ग्रीक हैं, अरबियन पीपल्स हैं। ठीक है, अब मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है, वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, कॉफ़ी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है द स्पोर्ट्स इट ऑफर टू टूरिस्ट, स्पोर्ट क्या क्या है, राफ्टिंग है, कैनोइंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारे हैं। एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द कुर्ग, कौन कौन से जानवर देखने को आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मालाबार स्क्विरल मिल जाएगी और यहाँ पे मैक्विस लंगूर, ये आयरिस, ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, ये जो है 260 किलोमीटर पड़ता है बेंगलोर से, और यहाँ पे आप एरोप्लेन से भी पहुँच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी इन्होंने चैप्टर में क्यों नहीं बताया ये चीज़, हमें पता नहीं क्यों, अच्छा बाद में लिख रखे इन्होंने ब्रैकेट में, फैक्ट फाइल में। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। तो ये था आपका, ये तो हो गए क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं अपनी राय आपको दूँ तो तीसरा क्वेश्चन कर लेना, खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेंगे कुर्ग क्या है, कुर्ग कहाँ पर है, कुर्ग में मुख्य गेम कौन से हैं, ठीक है कुर्ग में जो है अरबियन लोग क्यों पाए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। कुर्ग क्या है, व्हाट इज कुर्ग, सॉरी व्हाट नहीं पूछेंगे, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पे है, कुर्ग जो है एक जगह है जो कर्नाटका में पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़, तीसरा क्वेश्चन करोगे तो मोस्टली पता ही लग जाएगा, टेक्सचुअल क्वेश्चन से बाहर इसमें से नहीं आएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, पहला और तीसरा क्वेश्चन कर लेना, दूसरा भी बस सेम ही रहेगा। चैप्टर ही तो करना है यार, छोटा सा चैप्टर है, आराम से कर लोगे, तीन क्वेश्चन कर लेना टेक्सचुअल वाले, सारे इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट ज़्यादा केस क्या है, ज़्यादा केस देखो, एक तो होता है नॉर्मल, कुछ भी रैंडमली पूछा जा सकता है इसमें से, कोई अश्योरिटी नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आता है बार बार, बट ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा वहाँ के स्पोर्ट्स कौन से हैं और वहाँ की क्रॉप फसल कौन सी है, स्पाइसेस कॉफ़ी और एक जो है गेम, राफ्टिंग, कैनोइंग, रिवर मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये गेम्स। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, मसालों के बारे में, मसाले कॉफ़ी और वो गेम के बारे में, तो ये दो चीज़ें थोड़ा याद कर लेना। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ ले तो चैप्टर कवर हो जाएगा आपका पूरे का पूरा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आंसर कर ही लोगे इसके। अब वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रैंडमली उठा लिया मैंने, वो मैंने जो है एग्जाम्स पेपर उठा रखे हैं और उन्हीं को सोल्व करके वहाँ पे दिखाया हुआ है, शायद से 8 पेपर मैंने करवा रखे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है। अब जो है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।